एक और जहां पूरा देश आजादी का जश्न मनाना है, वहीं क्लीन सिटी इंदौर में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। दरअसल विधानसभा क्रमांक 4 में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। जैसे ही यात्रा दरगाह चौराहा पहुंची, यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। इसके बाद यात्रा बियाबानी रोड स्थित वैष्णव स्कूल के सामने से गुजर रही थी, तभी बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 पेट्रोल बम फेंके, जिससे एक डीजे वाहन में आग लग गई और संग्राम सिंह नामक एक कार्यकर्ता भी घायल हो गया। मामले में छत्रीपुरा थाने में शिकायत की गई है। पुलिस घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसके आधार पर जांच की जाएगी। ये जब हम मस्जिद के पास पहुंचे तो तीनों चारों तरफ से पथराव आए हैं, तो उसके बाद यात्रा काफी लंबी थी, हमारी यात्रा को हमने रोका, वहाँ पे रोके। जैसे ही हम थोड़े से बाल विनय मंदिर के गेट के वहाँ रुके, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप किया। लोग घायल हुए, इसमें एक इंसान घायल हुआ है, हमारा युवा मोर्चा का साथी। और जानकारी में जो सीसीटीवी फुटेज में जो तथ्य सामने आए थे, उसके मुताबिक कार्रवाई है। अभी कुछ ही समय पहले सूचना प्राप्त हुई है, अभी कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ। ओके। टू व्हीलर्स खरीदने और बेचने के लिए संपर्क कीजिए। बुलेट के सभी मॉडल्स उपलब्ध, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है रिजनेबल ऑटो डील, आरबी जोन चौराहा, फ्रीगंज, उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 999-30-31-222 और 998-141-422।